हेलो दोस्तों, नई साल 2021 के लिए आज हम आपको कुछ वास्तु टिप्स बताना चाहते हैं जो आपके जीवन को बदल देंगे और आपका जीवन सुख समृद्धि की हो जाएगी, आपके जीवन में बरसात। तो दोस्तों, साल 2020 हमें अलविदा कह रहा है। साल 2020 में कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को खौफ में डाल दिया था, जिसका असर आज भी है। ऐसे में आने वाले साल से सभी को बेहद उम्मीद है। नया साल 2021 का सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हर कोई चाहता है कि नया साल उनके जीवन में खुशियों और समृद्धि की सौगात लेकर आए। ऐसे में आज हम आपके लिए कुछ टिप्स लेकर आए हैं वास्तु के अनुसार, जो आपके जीवन में धन, मान सम्मान में वृद्धि और स्वास्थ्य में लाभ लेकर आएंगे। ये आसान टिप्स अपनाकर आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहली टिप्स है, आपके सोने की आदत को बदलना होगा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर दिशा में सिर रखकर सोने से मैग्नेटिक इफेक्ट अवरुद्ध होकर बिगड़ जाएगा, जिस कारण आपको नींद ठीक से नहीं आएगी। वास्तु के अनुसार उत्तर दिशा में सिर करके सोने से नींद की भी समस्या हो जाती है, इसके कारण आपको सिर दर्द हो सकता है। तो दोस्तों, भूल कर भी उत्तर दिशा में सिर करके कभी भी ना सोए। वास्तु के अनुसार स्वस्थ जीवन और लंबी आयु के लिए हमेशा अपना सिर दक्षिण में और पैर उत्तर की दिशा में करके सोना चाहिए। इस दिशा की ओर सिर करके सोने से व्यक्ति को धन, खुशी, समृद्धि और यश की प्राप्ति होती है, इसलिए आप अपना सर दक्षिण में और पैर उत्तर में करके सो सकते हैं। तीसरी बात, पूर्व दिशा में सिर करके सोने से स्मृति, एकाग्रता एवं स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और मनुष्य का आध्यात्मिकता के प्रति झुकाव बढ़ता है। वास्तु के अनुसार छात्रों को खासकर स्मृति और एकाग्रता बढ़ाने के लिए पूर्व दिशा में सिर करके सोना चाहिए। वास्तु कहता है कि पश्चिम दिशा में सिर करके सोना भी ठीक है, क्योंकि यह दिशा प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा और समृद्धि को बढ़ाती है। तो पश्चिम दिशा में भी सिर करके आप सो सकते हैं। अब दूसरी हम बड़ी बात बताते हैं, सेहत से भरा भोजन करें। जी हाँ दोस्तों, वास्तु के अनुसार भोजन करने का उत्तम स्थान पश्चिम दिशा में है। घर की पश्चिम दिशा में बना डाइनिंग हॉल बेहद शुभ होता है। इस दिशा में भोजन करने से माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न रहती है। घर में उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में भोजन करने के लिए दूसरा विकल्प हो सकता है। ध्यान रहे कि दक्षिण पश्चिम दिशा में डाइनिंग रूम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस दिशा में भोजन करने से शरीर में बीमारियां हो सकती है दक्षिण पश्चिम दिशा में। और आपको ये भी ध्यान देना है कि भोजन कक्ष के सामने घर का मुख्य द्वार या शौचालय कभी नहीं हो। आपसे कलह और मानसिक कष्ट इस वजह से बने रह सकते हैं, तो ये भी ध्यान दें। वास्तु के मुताबिक पूर्व की ओर मुंह करके भोजन करने से दीर्घायु होने की संभावना बढ़ जाती है और पश्चिम की ओर मुंह करके खाने से संपन्नता और समृद्धि आती है। वहीं दोस्तों, दक्षिण और उत्तर की ओर मुख करके भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये सेहत की दृष्टि से वास्तु सही नहीं होता है। तो दक्षिण और उत्तर में कभी भी भोजन सिर करके नहीं खाना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात है पूजा की दिशा को लेकर। वास्तुशास्त्र में पूजा की भी दिशा निश्चित है। घर या ऑफिस में पूजा का स्थान ईशान कोण में ही रखें, इससे परिवार में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। साथ ही दोस्तों, उत्तर की दिशा धन प्राप्ति के लिए और पूर्व दिशा की ओर मुख करके की गई पूजा ज्ञान प्राप्ति के लिए बेहद चमत्कारी लाभ देती है। वहीं दोस्तों, पूजन कक्ष में शुभ और सात्विक रंग जैसा हल्का हरा, पीला, जामुनी या क्रीम रंग का प्रयोग कर सकते हैं। वास्तु में शंख का भी बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए पूजा घर में शंख जरूर रखना चाहिए। साथ ही दोस्तों, दक्षिण पश्चिम की दिशा में पूजा कक्ष बिल्कुल ना बनाए। तो दोस्तों, ये थे वो तीन महत्वपूर्ण बिंदु जो वास्तु के अनुसार आपको ठीक करने चाहिए। अगर आप इन बिंदुओं पर कार्य करते हैं और इनको घर में यूज करते हैं तो दोस्तों, आपके घर में कभी भी धन धान्य, साथ ही आपके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी, साथ ही आपकी सेहत भी स्वस्थ रहेगी। तो दोस्तों, इनको ठीक करके आप अपने नए साल बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ लाइक शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ पता चल जाए। तो दोस्तों, वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।